नमस्ते, मैं हूं नीलाक्षी और आज हम साथ बैठकर ध्यान करेंगे। क्या होता है ध्यान? ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहां हम पूरी तरह से शांत तो होते हैं मगर जागरूक भी होते हैं। दिन भर हमारे मन में तरह तरह के ख्याल जो चलते रहते हैं, उनमें से कई ख्याल ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये कहाँ से शुरू हुए और क्यों हुए, पर ये सारे ख्याल हम पर, हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। हम जो भी अपने आसपास देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और हम जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से जीने लग जाते हैं जिस तरह से ये ख्याल हमारे दिल में घर कर गए हैं। जिस तरह किसी ख्याल से हम अपनी मनस्थिति ख़राब कर सकते हैं, उसी तरीके से अपने विचारों को एक निर्देशित तरीके से चलाने पर हम अपनी ज़िंदगी सुधार भी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है और जो हमारे लिए अहमियत रखती है। अगर हम बात करें ध्यान के फ़ायदों की तो ये अनेक हैं, मगर आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपने आप को एक शांत स्थिति में ले जाने के लिए करेंगे। इसके लिए हम अपने श्वास का इस्तेमाल करके हम अपने विचारों को इससे जोड़ेंगे। हम एक बहुत ही सरल अवस्था में बैठेंगे। सिर्फ ध्यान ये रहे कि आपकी कमर सीधी है और चाहे आप ज़मीन पर सुखासन में बैठें या किसी कुर्सी पर, कमर को सीधी ज़रूर रखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें और एक लंबी गहरी सांस शरीर में भरें और इसे अंदर ही रोक लें। इस सांस को अब मुंह से छोड़ें और जैसे ये सांस बाहर जा रही है अपने कंधों को ढीला होने दें और शरीर को आरामदायक स्थिति में जाने की इजाज़त दें। फिर से एक गहरी लंबी सांस भरें और इस बार अपनी कमर के, अपने रीढ़ की हड्डी के ठीक निचले हिस्से पर ध्यान दें और फिर से सांस मुंह से छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस पूरे पेट तक भरें और अब इस सांस को अपने पैरों तक, हाथों में, हर जगह महसूस करें और एक और लंबी गहरी सांस मुंह से छोड़ते हुए इस सांस को पूरी तरह से बाहर जाने दें और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सबसे पहले हम अपने सांस से अपनी शुद्धि करेंगे। इसके लिए हम कपालभाति प्राणायाम का उपयोग करते हैं। बिना अपना मुंह खोले हम नाक से निरंतर सांस बाहर छोड़ते रहेंगे। आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है कि सांस किस तरह से अंदर आ रही है, हमें सिर्फ सांस फेंकने पर ध्यान देना है। इस सांस को हम गहरे रूप से अपने पेट तक खींचेंगे और उसके बाद एक मिनट तक हम सिर्फ सांस बाहर फेंकते रहेंगे। आंखें बंद ही रखें और अब अपने तीसरी आंख, अपने भौहों के बीच वाले हिस्से पर ध्यान ले जाएं। इस जगह पर वो सारे ख्यालों को एकजुट कर लें जो आज आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या आपके संतुलन को ख़राब कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति, हर वो परिस्थिति, हर वो ख्याल, हर वो विचार जो आपको परेशान कर रहा है, अब इस जगह अपने भावों के बीच, अपने माथे के सामने ले आएं और इसके आसपास किस तरह की ऊर्जा है, क्या रंग है उस ऊर्जा का, क्या वो गहरा काला रंग है या कोई और रंग है, उसको महसूस करें, देखें। देखिए किस तरह ये सारे विचार जब एक साथ किए तो एक बड़ा गोला बन चुका है इस ऊर्जा का। ध्यान इस पर ज़रूर रखें और अब हम हर सांस जो बाहर फेंकेंगे उसके साथ हम इस ऊर्जा वाले गोले को अपने शरीर से दूर और बहुत दूर जाते हुए देखेंगे। तो उसी गति से हम सांस फेंकेंगे जिस गति से आप अपने आप को इन विचारों से, इन परिस्थितियों से मुक्त करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं।
आंखें बंद रखें, पुतलियों को तीसरी आंख की तरफ निर्देशित करें, लंबी गहरी सांस शरीर में भर लें पेट तक, सारी सांस को नाक से बाहर निकाल दें और अब निरंतर बाहर फेंकते रहें सांस को, और देखते रहें किस तरह से ये पूरा का पूरा ऊर्जा से भरा हुआ काला गोला आपके शरीर से और दूर जा रहा है। इस विधि को और तेज़ी से करें, हर सांस पे ध्यान दें कि किस तरह से आपका शरीर खुले जा रहा है, अंदर दबे वो सारे विचार जो कहीं ना कहीं आपके शरीर में खो गए हैं वो सब बाहर को फेंके जा रहे हैं, और आप उन सारे विचारों को निकाल रहे हैं, उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को खुद से दूर कर रहे हैं, परे कर रहे हैं, जिससे कि आपके शरीर पर उसका अब असर ना हो, आपकी मानसिकता पर उन विचारों का असर ना हो और आपके भविष्य पर उसका असर ना हो। और अब शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, लंबी गहरी सांस भरें और ध्यान दें किस तरह से सांस आसानी से पूरे शरीर में फैल रही है, कितनी सरलता से आपके कंधे नीचे गिर रहे हैं। अपने पैरों पर ध्यान दें कि वो पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अपने हथेलियों पर ध्यान दें, हथेलियों में मौजूद ऊर्जा पर ध्यान दें और देखें कि ये पूरी तरह से शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अच्छे भविष्य को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम वर्तमान में अच्छा महसूस करें, और अच्छा महसूस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर शुक्रगुजार होने की भावना जागरूक रहे। तो शुरू करते हैं आज हर उस चीज़, व्यक्ति और स्थिति के लिए धन्यवाद कहने का जो हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा योगदान दे रही है और हमारे ज़िंदगी में सकारात्मक रूप से है। अपनी इस सांस पर ध्यान ले जाएं और सबसे पहले इस सांस का धन्यवाद करें जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी का एक खूबसूरत तोहफा मिला हुआ है। अपनी कमर पर ध्यान ले जाएं और ध्यान दें किस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी आपको हर तरीके से सक्षम बना रही है। अपने हाथों और पैरों का शुक्रगुजार हो जिसकी वजह से आप आत्मनिर्भर हैं, इस दुनिया के सारे सुख महसूस कर सकते हैं। अपने इस शरीर का शुक्रिया अदा करें जो निरंतर आपके बिना किसी ध्यान के काम करे जा रहा है, सारे गतिविधियां हो रही हैं बिना आपके ध्यान किए, चाहे वो सांस लेना हो या किसी भी तरह का कमांड शरीर को देना हो। सबसे पहले जब हम अपने शरीर को शुक्रिया अदा करते हैं तो वो हमारे शरीर में एक नई ताजगी और स्फूर्ति भरता है जिससे हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने सदा आपका साथ दिया है, आपको सपोर्ट किया है और आपको हिम्मत बंधाई है। कितना फ़ायदा है ऐसे लोगों का जिसकी वजह से हमें हमेशा एक खुशी सी महसूस होती है। सांस निरंतर चलती रहे और गहरी होने दीजिए इस सांस को, और देखिए किस तरह से आपका शरीर, आपका मन अब खुल गया है इस दुनिया की वो सारी खुशियाँ खुद में समाने के लिए जिस पर आपका हक है। मानिए कि आप इस दुनिया में एक सफल खुशमिजाज जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। कई बार हमें वो रास्ता आसानी से नहीं मिलता, मगर जब भी हम ध्यान की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता धीरे धीरे खुद ब खुद साफ होने लग जाता है। हम सही लोगों से मिलने लग जाते हैं जो हमारा साथ दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें हमारी पूर्ण क्षमता के बारे में जानकारी दे सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरें और आज किए गए इस ध्यान से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा को
अपने शरीर में पूरी तरह से बहने दीजिए। एक सफ़ेद प्रकाश अपने शरीर के चारों ओर महसूस कीजिए। इस ऑरा से आपका प्रभाव पूरे दुनिया पे हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिससे आज आप मिलेंगे। ध्यान रखें कि आज आप अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते रहें। एक मन सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाइए। लंबी गहरी सांस भरिए। अपने शरीर को कहिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जिससे भी आज आप पूरे दिन भर मिले, कोशिश करें कि आप किस तरह से उन्हें धन्यवाद कह सकते हैं उस कारण को ढूंढें, ना कि वो कारण जो आपको शुक्रगुजार होने से रोकता है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में मलिए और उनको अपनी आँखों पर लगाइए और धीरे धीरे आँखें खोलिए। वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक।